This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +91 769673425 6. Today we are going to talk about very important thing. As I always say, whenever I talk about grammar, I always talk about this word. This word particularly is very important, and I will try to make it as simplified as I can for you. B ki first form hoti hai is MR. बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, ये हम बार बार करते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यानी बी भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। बी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश का, जिसको बी सही से यूज करना आता है उसकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, जिसको बी अच्छे से यूज नहीं करना आता उसकी ग्रामर वीक होती है। द पर्सन हु कैन यूज दिस वर्ड नाइसली हिज ग्रामर इज परफेक्ट। जिस बंदे को इस वर्ड को यूज करना नहीं आता उसकी ग्रामर में ही दिक्कत होती है। बस आपको तीन रूल जानने हैं। बी के थ्री यूजेस होते हैं, बस आपको ये समझना है। देर आर ओनली थ्री यूजेस। फर्स्ट यूज व्हेन इन फर्स्ट यूज इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मींस व्हेन देर इज नो वर्ब। तो आई विल मेक इट सिंपल टूडे, आई विल नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। I will make it very simple today for you. When there is no verb, means अगर मैं कहूँ word beneficial, तो जब भी मैं beneficial word का use करता हूँ उससे पहले हमेशा be आता है। कैसे? जब मैं present में कहता हूँ तो मैं कहता हूँ it is beneficial। मैंने आपको बताया था present में हमेशा first form use होती है, तो be की जो first form होती है वो is MR होती है, तो it के साथ is MR में से is लगता है, so it is beneficial। अगर मैं by chance कहता दे तो मैं कहता दे आर बेनिफिशियल। तो मींस बी की हमेशा फर्स्ट यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और प्रेजेंट में वैसे भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। लेकिन ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म बी की कब यूज होनी है, यानी कि बी का यूज कब होना है, जब सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब जब जो वर्ड आ रहा है उसके बाद वो वर्ब ना हो। वर्ब क्या होता है? वर्ब तो वो होता है जैसे गो वेंट गोन, जिसकी थ्री फॉर्म्स बनती है। जिसकी थ्री फॉर्म्स नहीं बनती वो वर्ब नहीं होता। इसलिए जब हम ओईटी में बेनिफिशियल वर्ड का यूज करते हैं तो हम हमेशा बी के साथ करते हैं। जब हम इसको पास्ट में यूज करते हैं तो हम कहते हैं इट वॉज बेनिफिशियल। और जब हम प्रेजेंट में यूज करते और जब हम फ्यूचर में यूज करते हैं हम कहते हैं इट विल बी बेनिफिशियल। अगर हम चाहिए वर्ड के साथ भी यूज करते हैं तो हम कहते हैं इट शुड बी बेनिफिशियल। यानी कि अगर मुझे कहीं पे ये पता नहीं लग रहा कि विल के साथ यहाँ पे बी आना है या नहीं आना, तो मुझे इस वर्ड को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके इज एम आर के साथ देख लेना चाहिए। अगर ये वर्ड इज एम आर के साथ आता है तो मतलब ये बी के साथ आने वाला वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अगर बेनिफिशियल की जगह अगर हेल्पफुल होता तो हेल्पफुल की भी थ्री फॉर्म्स नहीं बनती, क्योंकि हेल्पफुल वर्ब नहीं होता, हेल्प वर्ब होता है। हेल्प की फॉर्म बनती है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लेकिन हेल्पफुल की कोई फॉर्म नहीं होती, यानी ये भी नाउन नहीं हो, ये भी वर्ब नहीं होता, तो ये भी इज एम आर के साथ आता है। इट इज हेल्पफुल, दे आर हेल्पफुल, इट वॉज हेल्पफुल, इट विल बी हेल्पफुल, इट शुड बी हेल्पफुल, इट कैन बी हेल्पफुल। मतलब कि बी का यूज ये देख के नहीं होता कि बी से पहले क्या लगा है, बी का यूज ये देख के होता है उसके बाद क्या लगा है, अगर वो वर्ब नहीं है। जैसे कि अगर नॉर्मल इंग्लिश में बोलूं तो ब्यूटीफुल वर्ड, ये भी ऐसे ही आएगा। अगर मैं कोई भी ऐसा वर्ड बोलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। तभी तो फाइन वर्ड की भी फॉर्म नहीं बनती, तभी आई एम फाइन, इसकी जगह पे आई एम ओके भी बोलते हैं, आई एम ऑल राइट भी बोलते हैं। तो इन सब वर्ड्स की फॉर्म नहीं बनती। ऐसे दे के साथ दे आर ओके, दे आर फाइन, दे आर ऑल राइट। अगर पास्ट में दे वर ओके, दे वर दिस, दे विल बी ओके, तो मतलब ओके वर्ड के साथ भी बी आएगा, दे विल बी ओके। ऐसे ही दे शुड बी ओके। तो मतलब जब तक ओके वर्ड रहेगा तो कभी भी पहले वाले वर्ड को नहीं देखना। यानी बी का फर्स्ट यूज है जब सिंपल सेंटेंस हो, जब वर्ब नहीं हो, जब वर्ब नहीं हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बी का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जहाँ पे आई एन जी आएगा, अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, आई एम गोइंग। वैसे बी की सेकेंड फॉर्म पास्ट में आई वॉज गोइंग,
फ्यूचर में आई शेल बी गोइंग, अगर कहीं पे कहना मुझे जाना चाहिए आई मस्ट बी गोइंग, तो जब तक आई एन जी वाला वर्ड रहेगा वहां पे बी का सेकेंड यूज होता है यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। बी का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज, बी का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहते हैं कि पैसिव वॉइसेस। जिसको पैसिव वॉइस आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव, प्लीज इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 बार 5 टाइम्स ऐसे सुनना, बिकॉज दिस विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर एवर। सो बी का फर्स्ट यूज व्हेन देयर इज अ सिंपल सेंटेंस, दैट मींस वर्ब नहीं है। सेकेंड टाइम में वर्ब के साथ आई एन जी लगा होता है यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बी का थर्ड यूज यानी कि पैसिव वॉइस, इसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। बी का फर्स्ट यूज नो वर्ब, बी का सेकेंड यूज वर्ब प्लस आई एन जी, बी का थर्ड यूज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो वैसे भी थर्ड यूज है तो थर्ड से ही याद हो जाएगा कि थर्ड यूज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का यूज, बी के अंदर क्या क्या छुपा है, इज एम आर, वॉज वर्ब और बीन। यानी मेरा कहने का मतलब है इन तीन ओकेजन्स को छोड़ के, इज एम आर वॉज वर्ब बीन को भी, इन तीन ओकेजन्स को छोड़ के नो वर्ब, वर्ब के साथ आई एन जी, कभी भी बी का यूज नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर मैं कहूं आई वॉज अंडरवेंट या पेशेंट वॉज अंडरवेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वॉज का मतलब बी, अगर वॉज का मतलब देखो तो ये बी तो है, बी का ही तो पार्ट है, तो वॉज का मतलब भी बी ही होता है। तो अंडरवेंट सेकेंड फॉर्म होती है, इसमें से कहीं पे भी सेकेंड फॉर्म तो है ही नहीं, या तो वर्ब ना होता या वर्ब के साथ आई एन जी होता या थर्ड फॉर्म होता, ये तो सेकेंड फॉर्म है अंडरवेंट, तो इसके साथ कभी बी नहीं हो सकता, द पेशेंट अंडरवेंट, इतना सिंपल है। तो आप कभी भी ना ही आप ये कह सकते हो पेशेंट इज अंडरगो, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि अंडरगो का मतलब फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे देखो फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, या तो आई एन जी या थर्ड फॉर्म। सो दीज आर द ओनली थ्री ऑप्शंस जिनके साथ बी होता है। यानी ये लिखना कि पेशेंट विल बी हेल्प, पेशेंट विल बी अंडरगो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि अगेन बी होता ही नहीं है। तो अगर हमें ये लिखना था तो यहाँ पे आएगा पेशेंट विल अंडरगो फ्यूचर में, यानी बी का यूज नहीं होगा, और प्रेजेंट में यूज होगा तो बी का यूज नहीं होगा, आएगा पेशेंट अंडरगोज, और पास्ट में यूज होगा तो सेकेंड फॉर्म। तो कभी भी वॉज वर इज एम आर या बी का यूज नहीं होगा जब भी सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म के बाद कभी भी, जैसे अगर मैं कहूँ सर यू विल बी गेट इट टुमोरो, तो बी गेट इज द फर्स्ट फॉर्म, कैसे देख लेते हैं, गेट सेकेंड फॉर्म गोट गोट, तो यानी गेट जो होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ भी कभी बी नहीं आ सकता, तो यू विल गेट इट टुमोरो। तो आप एक एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर वाले बन जाते हो, बट वेन यू से यू विल बी गेट तो बिल्कुल खराब हो जाता है। जब आप कहते हो सर आई विल बी कम टुमोरो तो इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म होती है, कम तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो बन जाता है आई विल कम टुमोरो। तो बी के थ्री यूजेस अगेन, व्हेन देयर इज नो वर्ब, सेकंड यूज आई एन जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी फर्स्ट और सेकंड के साथ बी नहीं लगाना, यानी अगर मैं इसको प्रेजेंट में लगाता वर्ड को कम को, तो आई कम, मैं आता हूं, या आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अगर मैं इसको पास्ट में बोलता तो मैं बोलता कि आई वेंट टू स्कूल, लेकिन कभी भी इज एम आर वॉज वर्ब का यूज नहीं करता, ये कभी भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है अगेन, सबसे पहला यूज बी का, दोबारा बी का फर्स्ट यूज, एग्जाम्पल अगेन आई एम ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल वर्ड, या कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी फॉर्म नहीं बनती, जैसे कि आई एम हेल्पफुल, आई एम बेनिफिशियल। तो OET में जब यूज होता है इस सेंटेंस का सबसे ज्यादा यूज होता है, प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।
ये सबसे कॉमन यूज होता है, और कभी कभी यूज होता है जब सोशल हिस्ट्री में कहते हैं ही इज अ स्मोकर, तो देखो स्मोकर की कोई फॉर्म नहीं बनती क्योंकि इसका वर्ब होता है स्मोक, स्मोकर तो एक पर्सन हो गया यानी नाउन हो गया, तो ही इज अ स्मोकर एंड ड्रिंकर, तब बी का यूज होता है। अगर मैं पास में कहता हूं तो मैं कहता हूँ ही वॉज अ स्मोकर एंड अ ड्रिंकर, तो बी का यहाँ पे भी यूज होता है, और फ्यूचर में तो वैसे कभी नहीं कहते कि ही विल बी अ स्मोकर, ऐसे तो कभी नहीं कहते, सो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगेन रूल ये सेम है कि स्मोकर, ड्रिंकर, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, ऐसे वर्ड्स आने के साथ बी का यूज पक्का हो जाता है। ऐसे और कौन से वर्ड हैं ओईटी में, जैसे पेशेंट कंसर्न्ड है, तो द पेशेंट इज एंशियस, ऐसे वर्ड्स, पेशेंट इज कंसर्न्ड, जब भी कोई फीलिंग्स आ जाती हैं तब उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये एक एक्सेप्शन होती है इस रूल में, जैसे कि पेशेंट इज कंसर्न्ड, पेशेंट इज डिप्रेस्ड, ये एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसमें भी मतलब ये होता है पेशेंट एंक्शियस है, पेशेंट कंसर्न्ड है, पेशेंट डिप्रेस्ड है, जब भी पेशेंट खुद एंक्शियस, डिप्रेस्ड और कंसर्न्ड होगा तो या फिर वरीड, तो ओईटी में इज एम आर और बी का यूज इन चीजों में होता है। सो पेशेंट इज एंक्शियस कंसर्न्ड, इसके बाद सिर्फ एक वर्ड लगाना पड़ता है और सारी लाइन बन जाती है, पेशेंट इज एंक्शियस कंसर्न्ड डिप्रेस्ड वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, तो मतलब जो भी वहां पे दिया होता है अबाउट हिज ऑस्टियोपोरोसिस, तो सिर्फ अबाउट वर्ड लगाना होता है और सारी लाइन अपने आप बन जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ बी। बी का सेकेंड यूज अगेन जब आई एन जी होता है तो हम ये कहते हैं नाउ द पेशेंट विल बी रिक्वायरिंग यूर सर्विसेस। यही खास बात होती है बी की, अगर आप आई एन जी को हटा दोगे और यहाँ पे रिक्वायर कर दोगे फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ बी नहीं होता, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, द पेशेंट विल रिक्वायर योर सर्विसेज। अगर आप बी लगाना चाहते हो तो आपको आई एन जी लगाना पड़ेगा, पेशेंट विल बी रिक्वायरिंग योर सर्विसेज, बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस चल जाएंगे। सो नाउ द पेशेंट इज बींग डिस्चार्ज, ही विल बी रिक्वायरिंग योर सर्विसेज। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बी का फर्स्ट और सेकेंड यूज जो हमने अभी तक पढ़ा है। प्लीज इसको कम से कम 5-10 टाइम सुनना ताकि बी की गलती दोबारा कभी ना हो, और इम्प्लीमेंट करना जहां पे भी आपकी टीचर गल्ती निकालेगा इज एम आर की, वॉज वर की या बी की, आपको प्लीज इन रूल्स को दोबारा देखना है और आपसे कोई गलती नहीं होगी। इसके स्क्रीनशॉट्स भी आई विल सेंड यू इन द ग्रुप एज वेल एज आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, प्लीज स्क्रीनशॉट्स के साथ रिकॉर्डिंग को सुनना। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वॉज वर, तो ये सब बी होते हैं। बी का फर्स्ट यूज जब वहां पे सिंपल सेंटेंस होता है जहां पे वर्ब नहीं होता, जैसे कि बेनिफिशियल, ओके, हेल्पफुल, कोई भी ऐसा वर्ड, एंक्शियस। इसके अलावा सेकंड, बी की सेकंड फॉर्म, सेकंड यूज होता है आईएनजी, तो हमने इसके अलग अलग एग्जांपल कर लिए हैं। पैसिव वॉइस, ये अभी हमने करना है पैसिव वॉइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बी का फर्स्ट यूज नो वर्ब, सेकंड यूज, यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी बी नहीं लगाना, यानी कभी भी अंडरवेंट, अंडरगोज, undergo, get word के साथ कभी भी be नहीं लगाना, went word के साथ कभी भी be नहीं लगाना, ना was लगाना है ना is am are, क्योंकि was और is am are भी be के ही part होते हैं। I hope ये सबको समझ आ गया हो, इसलिए OET के हिसाब से it will be beneficial। देखो beneficial verb नहीं है, first use, he is a smoker, first use, he is anxious, first use, second, patient will be requiring, second use, now comes the most important thing, the passive voice, B का third use, again B का पहला use verb नहीं होता, B का second use verb होता है, और B का third use जब verb के साथ third form होती है, ये सबसे बड़ा important सब कुछ English को ये powerful बनाता है, this is known as passive voice, यानी जब भी B के साथ third form लगी है, यानी कि ये passive voice है, यानी कि ये sentence घूम चुका है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस, ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, द्वारा का मतलब बाय समवन, तो ये इन चीजों को पैसिव वॉइस बोलते हैं, यानी कि बाय। तो बेसिकली बी का थर्ड यूज होता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस, कैसे, अगर मैं कहूं मैं चाय पी रहा हूं, तो कॉल्ड मैं चाय पी रहा हूं, तो पैसिव वॉइस का मतलब है चाय मेरे द्वारा पी जा रही है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, आराम से सुनना, आई नो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट प्लीज आराम से सुनना। सिर्फ क्या है, मैं पहले पीने वाला था, मैं आई सब्जेक्ट था,
और मैं चाय को पी रहा था, चाय ऑब्जेक्ट थी, लेकिन अब चाय सब्जेक्ट बन गई, तो चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ डॉक्टर इज गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पेशेंट और एक डॉक्टर और एक मेडिकेशन। डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, मेडिकेशन इज बीइंग गिवन टू द पेशेंट, या फिर ऐसे कह सकता हूँ पेशेंट इज बीइंग गिवन मेडिकेशन। दोनों सेंटेंस ठीक हैं क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और इसके पीछे आप बाय द डॉक्टर लिखो या बाय द डॉक्टर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर अगर हमने बाय द डॉक्टर नहीं लिखा तो हमने ये द्वारा वर्ड तो लिखा ही नहीं, तो पैसिव कैसे हुआ? पैसिव ऐसे हुआ क्योंकि इसके बिना भी हमारा पैसिव वॉइस का रूल पूरा हो चुका है, यानी कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ से पता लग जाता है ये पैसिव है। तो मेडिकेशन दी जा रही है, जब हम इसको पास्ट में यूज करते हैं तो पास्ट में बताया था मैंने बी की सेकंड फॉर्म यूज होती है, यानी कि मेडिकेशन दी गई डॉक्टर के द्वारा, पास्ट में मेडिकेशन वॉज गिवन, जो हम रोज यूज करते हैं ओईटी में, मेडिकेशन वॉज गिवन, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड, हम ये भी यूज करते हैं, ऐसा कहते हैं पैरासिटामोल वॉज गिवन, तो हम इसलिए यूज करते हैं। जब हम इसको फ्यूचर में यूज करते हैं तो ऐसे कहते हैं मेडिकेशन विल बी कमेंस्ड, जब हम डिस्चार्ज प्लान में यूज करते हैं तब हम कहते हैं मेडिकेशन देनी चाहिए, शुड बी कमेंस्ड, या फिर शुड को लिख देते हैं नीड्स टू बी कमेंस्ड। लेकिन ये सभी पैसिव वॉइस हैं क्योंकि मेडिकेशन को किसी के द्वारा ही शुरू किया जाएगा, किसी के द्वारा मतलब बाय द डॉक्टर, एक्चुअल में हम ये कहना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं लिखते, बाय द डॉक्टर को हटा देते हैं, तो हमारा फाइनल सेंटेंस डिस्चार्ज प्लान में बताता है मेडिकेशन नीड्स टू बी कमेंस्ड। अगर इसी बात को हम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड, बाकी सब गायब कर देते हैं क्योंकि पास्ट में आ जाता है, तो पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, पेशेंट वॉज कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब थर्ड फॉर्म, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉज भी तो बी का ही पार्ट है, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म का रूल पूरा हो गया और ये पैसिव वॉइस बन गया। तो मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा शुरू कर दी गई फॉर द पेशेंट, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा फाइनल सेंटेंस बनता है मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड फॉर डायबिटीज, ऐसा एक सेंटेंस, अच्छा सा सेंटेंस बन जाता है। और पूरा सेंटेंस ऐसे बनता है द पेशेंट वॉज हैविंग डायबिटीज, ऐसे लाइन अच्छी बनती रहती है, लेकिन ग्रामर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में ही संभालनी होती है। द पेशेंट वॉज हैविंग डायबिटीज, अब देखो बी का सेकेंड यूज, आई एन जी के साथ हमेशा इज एम आर वॉज वर या फिर बी, तो तीनों में से एक, लेकिन पास्ट में कह रहे थे तो हमने बी की सेकेंड फॉर्म यूज की, द पेशेंट वॉज हैविंग डायबिटीज फॉर विच मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड। अब ये मेरी लाइन कितनी सुंदर लाइन बन गई, अगर मुझे पैसिव वॉइस आते हैं, इतनी सिंपल होती है ग्रामर। अगर मैं कहूँ डॉक्टर इज गिविंग मेडिकेशन, तो यहाँ पे अगर इसको पैसिव बनाना था तो मेडिकेशन इस तो ऊपर ही दे रखा है, तो इससे इज ले लिया, आई एन जी के साथ लगा दिया बींग, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आनी थी क्योंकि गिव की थर्ड फॉर्म बनानी थी, तो आई एन जी फ्री हो गया, आई एन जी बी के साथ लग गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, मेडिकेशन इज बींग गिवन। इसी चीज को हम रोज लिखते हैं, दिस लेटर इज बींग रिटन, जब हम फर्स्ट फर्स्ट लाइन लिखते हैं दिस लेटर इज बींग रिटन मीन्स दिस इज अ पैसिव वॉइस, दिस लेटर इज बींग रिटन बाय मी, पर मैं बाय नहीं, मी नहीं लिखता, इस कारण से हमारी फाइनल लाइन बनती है दिस लेटर इज बींग रिटन। अगर मैं इसको एक्टिव में लिखता तो यही लिखता, अगर मैं इसको एक्टिव में लिखता तो ये लाइन होती आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, तभी मैं आपको कहता हूँ इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप लिखो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट या आप लिखो दिस लेटर इज बींग रिटन रिगार्डिंग, दोनों बातें सेम है, एक एक्टिव है एक पैसिव है। हाँ पैसिव वॉइस थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फर्स्ट लाइन तो क्रैमिंग की होती है, उसमें पैसिव वॉइस के आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना आप आगे यूज करोगे। जब आप कहते हो द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिकेशंस या मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट, एक्सरसाइज रेजीम शुड बी एडवाइज्ड, पेशेंट शुड बी एनकरेज्ड, पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड, तो दीज आर द पैसिव वॉइसेस विच गिव्स यू मार्क्स। तो प्लीज जब भी इज एम आर थर्ड फॉर्म वॉज वर थर्ड फॉर्म, और इसको प्रेजेंट में जब लिखना होता है एक और तरीका होता है,
वॉज हैविंग डायबिटीज, कि जब हम कहते हैं फॉर विच मेडिकेशन वॉज गिवन, अगर ये प्रेजेंट सेंटेंस होता तो हम कहते हैं पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज एंड द मेडिकेशन हैज बीन। प्रेजेंट में इज बनाने की बजाय हैज बीन बनाते हैं तो अच्छा लगता है। ओईटी में वॉज को हमेशा हैज बीन में कन्वर्ट करना है। तो हैज का मतलब फर्स्ट फॉर्म, बी का मतलब बी, कमेंस का मतलब थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म का रूल फिर पूरा हो गया, यानी कि द मेडिकेशन हैज बीन कमेंस। अगर आपको टुडे में लिखना है, टुडे की विजिट में, टुडे द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, ऐसे नहीं लिख सकते, या द पेशेंट इज हैविंग पेन फॉर विच मेडिकेशन हैज बीन कमेंस्ड। अगर यही बात ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में लिखते तो बस आप ऐसे करते वॉज, इसको करते वॉज। अब आपने टुडे में लिखा तो टुडे पेशेंट इज हैविंग पेन, वॉज की जगह हैज बीन। तो ये पैसिव वॉइस का रूल, बी प्लस थर्ड फॉर्म। मेडिकेशन चाहे पास्ट में दी जाए, चाहे प्रेजेंट में दी जाए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी जाए, किसी के द्वारा दी जाएगी। इसलिए जब भी सेंटेंस मेडिकेशन से शुरू होगा वो हमेशा पैसिव में रहेगा। मेडिकेशन वॉज कमेंस्ड, मेडिकेशन हैज बीन कमेंस्ड, मेडिकेशन विल बी कमेंस्ड, मेडिकेशन शुड बी कमेंस्ड, यानी कि ये पैसिव वॉइस ही रहेगा हमेशा। यानी कि अगर मैं कहूँ फिजियोथेरेपी वॉज गिवन तो भी ऐसे ही रहेगा, फिजियोथेरेपी हैज बीन गिवन, फिजियोथेरेपी विल बी गिवन, फिजियोथेरेपी शुड बी गिवन। तो मतलब फिजियोथेरेपी हमेशा किसी के द्वारा ही दी जाएगी, फिजियोथेरेपी खुद कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ अब एक्टिव और पैसिव का फाइनल फर्क, एक्सरे में पता लगा पेशेंट को फ्रैक्चर है तो एक्सरे ने बताया, एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर, तो ये है सिंपल एक्टिव। अगर मैं कहूँ एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग होके भी एक्टिव में है, एक्सरे ने बताया फ्रैक्चर, लेकिन जब हम इसको बताते हैं फ्रैक्चर को आगे ले आते हैं, फ्रैक्चर वॉज रिवील्ड, फ्रैक्चर रिवील किया गया बाय एक्सरे। तो ऐसे भी कर सकते हैं वॉज रिवील्ड इन एक्सरे, लेकिन ये पैसिव ही रहेगा कि फ्रैक्चर को रिवील किया गया एक्सरे के द्वारा। सो दीज आर द पैसिव वॉइस। सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बी के एम इंस्टीट्यूट। आई एम सेंडिंग यू द क्लिक शॉट्स ऑफ दीज ऑल ग्रामर लेक्चर्स। प्लीज लिसन टू इट 5 times, 10 times, 20 times, इट डज नॉट मैटर। इफ योर ग्रामर इज फाइन, इट इज 100% श्योर दैट योर रीडिंग विल इम्प्रूव, योर राइटिंग विल इम्प्रूव, योर स्पीकिंग विल इम्प्रूव। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, योर स्पीकिंग विल इम्प्रूव, ये एक्टिव में स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऐसे ही जब हम कंडीशन के साथ कहते हैं तो हम कहते हैं कंडीशन विल इम्प्रूव। तो ये बड़ा सिंपल है। अगेन, अगर सिंपल भी नहीं समझ आए तो इम्प्रूव फर्स्ट फॉर्म है, इसके बीच में कभी बी नहीं लगाना। तो कंडीशन विल बी इम्प्रूव नहीं, कंडीशन विल इम्प्रूव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी बी आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, योर स्पीकिंग विल इम्प्रूव, कभी भी बी नहीं लगाना। जैसे ही आप यहाँ पे बी लगाते हो तो आप एक एक ऐसे इंग्लिश वाले बन जाते हो जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो कंडीशन विल बी इम्प्रूव इज रॉन्ग, कंडीशन विल इम्प्रूव, सॉरी दिस इज रॉन्ग। यही आपको समझना है। अगर मैं कहूँ इसकी रीडिंग में क्या फायदा होता है, व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, तो ये मेरे को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी ये कह रहा है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर इन द टेस्ट, इन द ग्राफ, इन द पैरा ग्राफ। तो चाहे वो बाय द ऑथर लिखे या ना लिखे, आपको इज डिस्क्राइब्ड से ही समझ जाना चाहिए, इज एम आर थर्ड फॉर्म, यानी क्या डिस्क्राइब किया गया है इस पैराग्राफ में ऑथर के द्वारा। जब आपकी रीडिंग में भी पार्ट ए में जब आता है कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, द पेशेंट इज डैश, तो आप इस डैश में तीन ही चीजें भर सकते हो, या तो क्योंकि इज एम आर यानी बी, या तो आप ऐसा कुछ भरोगे द पेशेंट इज फाइन नाउ, द पेशेंट इज ओके नाउ, या फिर बोलोगे द पेशेंट इज गोइंग नाउ, या तो आईएनजी, या फिर इसको बनाओगे पैसिव वॉइस, द पेशेंट इज गिवन मेडिकेशन। तो आपको देखना है कि ये किसी के द्वारा काम हो रहा है तो लिखना है पैसिव वॉइस। अगर रहा हो रहा है कि पेशेंट कुछ कर रहा है तो आईएनजी, नहीं तो बिना वर्ब के सेंटेंस बनेगा द पेशेंट इज फाइन नाउ।
The patient is okay now. The patient is all right now. The patient is perfect now. The patient is anxious now. Anxious spelling, sorry. The patient is wonderful, beautiful, whatever. Till the time आप verb use नहीं करोगे, ये is MR. जैसे आप first form use करोगे, the patient is go, तो वो नहीं हो सकता, तो patient goes. अगर by chance first form के साथ कभी भी be नहीं होगा, is MR नहीं होगा. Second form के साथ भी कभी is MR नहीं होता. तो please, अगर आपसे ये rule पक्का ठीक हो गया, तो आपकी ग्रामर बहुत ठीक हो जाएगी. अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग वरीड एंड आई एम सेंडिंग यू द क्लिक शॉट्स आई एम अनम्यूटिंग योर माइक्स टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग 10-20 टाइम्स अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना सॉल्व ऑल अवर प्रॉब्लम जहाँ पे भी टीचर आपकी इस एम आर वो जोर की गलती निकालते हैं प्लीज इस वीडियो से कंपेयर करो एंड यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +91769673426. Thank you.